अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने अपने पेज पर जो है वो इनवाइट किया है यमीन उद्दीन साहब को, जो कि सीईओ हैं टाइम लेंडर्स के, जो कि एक कंसल्टिंग फर्म है और जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लोगों की ज़िंदगी के तब्दील होने में। तो मैं ये चाहूँगा कि यमीन भाई पहले थोड़ा सा टाइम लेंडर्स का इंट्रोडक्शन करवा दें और अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम इंशाल्लाह आज के टॉपिक की तरफ जो है ना वो चलते हैं। जी यमीन भाई। जी उमेर भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मैं अपना तारुफ तो करा दूंगा, पहले तो आप बताएं। आपने कहा कि लोगों की जिंदगी पे बड़ा इम्पैक्ट है हमारा, तो आप भी तो उन लोगों में शामिल है ना, तो आप बड़ा बताएं ना, आपकी जिंदगी पे क्या बिल्कुल इम्पैक्ट बिल्कुल। है। इम्पैक्ट ये था कि समझे कि मॉडर्न जो सेल्फ हेल्प के टूल्स हैं, हम तो गए थे वो हाँ सीखने, वो तो सीखे बहुत हाँ अच्छे जबरदस्त किस्म हाँ के, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना वो पता चला कि इन जगहों पर भी दीन का बड़ा जो है ना वो अहम रोल है, और ख़ास तौर पर इंसानों की डेवलपमेंट में जो बातें दीन ने सिखाई हैं वो जो है ना वो जाहिर सी बात है कोई एक्सपेरिमेंट से इतनी आसानी से नहीं सीख सकता। तो इम्पैक्ट उस वक्त नहीं पता चल रहा था, उस वक्त तो सिर्फ लाइफ में एक कदम का चेंज आ रहा होता है स्टेप टू स्टेप, लेकिन जब मुड़ के पीछे देखता है इंसान कि इतने साल कनेक्ट रहने के बाद क्या चेंजेस आए, तो पता चलता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाती हैं, फिर वो अच्छा, छूटती कितने नहीं साल है, हो गए बल्कि आपको कनेक्ट लैंग्वेज होके? सात मुझे 2012-13, तो ये साल हो गए। 7 से 8 साल हो गए। हाँ, तो आप पीछे मुड़ के आप देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है आपको 8 साल में? पीछे मुड़ के नजर ये आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू तो आपने मेरा करना रब्बिल था, अभी मैंने शुरू कर दिया आपका। हाँ, उसमें बस ये हुआ कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ वो जिंदगी जो कनेक्ट होने से पहले की थी, तो उस वक्त एक बड़ा डिफरेंस नजर आता था। यानी उस वक्त लगता था कि जो दीन है ना वो सिर्फ मस्जिद में इबादत तक महदूद है, और कॉर्पोरेट लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या अपनी आम जिंदगी में बस जो गुरुओं ने साइंटिफिक मेथड्स बता दिए बस उसी को हम फॉलो कर रहे होते थे। लेकिन अब अगर हम देखें तो पता चलता है कि वो चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो विजन हो यानी पूरी लाइफ में क्या मैं करना चाहता हूँ, या कोई भी गोल सेटिंग करनी हो, ख़ास तौर पे वो ब्रिजिंग द डिफरेंस जो हमारी वर्कशॉप है आपकी, क्या नाम है, निगोशिएशन स्किल्स पे कुछ भी हो, तो पता चलता है कि हर जगह पर हमें अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई दी है, ओहो, क्या बात है। और उसे हम अगर फॉलो करें तो वो इंशाल्लाह दीन और दुनिया दोनों में जो है ना वो हमें आगे लेके जाती है। और जो एक डिटर्मिनेशन वाला पार्ट है ना टाइम लेंडर्स का, वो बड़ा ज़बरदस्त है कि यानी परवाह नहीं करनी, बस जो सही है वो करना है, अब अल्हम्दुलिल्लाह। भले भले कुछ भी हो, और फिर होता कुछ भी नहीं है, वो बधाए थोड़ा सा आगे पीछे लग रहा होता है मामला, लेकिन बाद में सब सेट हो जाता है। तो ये कुछ सही चीज़ें हैं, बात। बहुत सारी मतलब अनगिनत हैं, क्या क्या गिनवाएं जो लाइफ में हाँ चेंजेस, अच्छी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं। तो आपने अपनी जिंदगी में क्या कोई ऐसा कोई फैसला होता ना, कोई एक दो फैसले ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले किए हों हमसे जुड़ने के बाद, वर्कशॉप से आपसे गुजरने के जुड़ने के बाद, बाद प्रोसेस से गुजरने के बाद? तब जो है तो चाय छोड़ी थी। चाय अच्छा, मैं छोड़ी थी। वैसे मैं एडिक्टेड तो फिर भी नहीं था, यानी हाँ नॉर्मल एक एक कप सुबह पीने वाला था, लेकिन वो भी अलहमदुल्ला बिल्कुल हाँ ही वो भी खत्म हो गई। गई, वो भी गई। अच्छा। और स्लीप मैनेजमेंट का कैलूला आया जिंदगी में रेगुलरिटी के साथ अच्छा, अलहमदुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो डीएस जो आपका टूल है डेली शेड्यूलर, वो अलहमदुल्ला जिंदगी का हिस्सा है, तो जी चीज़ें उसके मुताबिक प्लान हो रही होती हैं, उसके मुताबिक चीज़ें चल रही होती हैं। बिल्कुल ठीक क्यू है। वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर जो है तो वो अलहमदुल्ला कोशिश होती है कि क्यू फोर से जान छूट जाए और वो काम अच्छा। करें जो काम दुनिया और आखिरत में हमारे काम आने वाला है। तो बहुत ठीक है सारी भाई। मतलब वो इतनी सारी हैं कि मैं बता नहीं सकता, वो स्टेप टू स्टेप खुल के सामने आ रही होती, और बाज़ुकात तो अच्छा करने के बाद पता चलता है कि ये कहीं वर्कशॉप में सुनी थी या किया था ये काम, तो वो उसका इम्पैक्ट ही है। सही बात है। चलिए, माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला आपको बरकत दे और आपको इस्तकामत अता फरमाए इन सारी लर्निंग्स के ऊपर। और माशाल्लाह से जो है ना, वो आपकी हमारे जो है ना, वो उन शागिर्द
शागिर्दों में से हैं कि जिन्होंने चीज़ों को सीखने के बाद जी उमर भाई, सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रखा बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की। और हाल ही में आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, और आमीन आमीन। आपको उनके लिए बहुत बड़ा सदका जारी अल्लाह ताला बनाए। आमीन आमीन। आमीन। और मैं रोज़ाना कुरान पढ़ता हूँ, अपना जो भी तरतीब मेरी होती है, तो उसमें मैं आपके वालिद साहब के लिए एक साल साहब अलहमदिल्ला पिछले जिस दिन से इंतकाल हुआ उस दिन से कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा उसके लिए था। अल्लाह आपको खुश रखे हजरत। अब आप अपनी बात करें, हम तो आपका जी इंटरव्यू शुरू कर दिया है, सॉरी। मेरा तो हो गया, अब आते हाँ हैं आप थोड़ा सा टाइम लेंडर्स का इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि जो लोग हाँ नहीं जानते उनको जो है ना वो। तो ये पता कैसे चलता है कि आपके पास तो ऑनलाइन लोग कितने हैं? इस वक्त 8 हैं, एक ये सेकंड, हमें पता नहीं लग रहा है। इस वक्त जी 8 लोग हैं फिलहाल। अच्छा चलें, अल्लाह ताला उन 8 लोगों को कुछ रखे। दोपहर के 3 बजे उन्होंने वक्त निकाला और वो हमारी बात सुनने के लिए आ गए। ठीक है सर, मेरा नाम यमीनुद्दीन अहमद है, एक इदारा है टाइम लेंडर्स, मैं उसको लीड करता हूँ एस सी ओ। इस इदारे से मेरी वाबस्तगी 16 साल से है, और ये इदारा खुद 18 साल से है। इस इदारे के जो बानी हैं, फाउंडर हैं, जो हमारे आपके उस्ताद हैं भाई सुलेमान अहमद साहब हैं, उन्होंने 2002 में ये इदारा इस्टेब्लिश किया था जब वो अमेरिका से वापस आए थे। और इस इदारे के क़याम का जो मकसद था, जो उसका विजन था, वो ये था कि हमारे जो अफराद हैं, यानी कि जिस विजन पे हम काम कर रहे हैं पिछले 18 सालों से, वो काम यही है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता हूँ तो लोगों के जहन में जो है ना वो आमतौर पर कारोबारी इदारे आते हैं। तो हमारा जो काम है वो सिर्फ कारोबारी इदारों तक महदूद नहीं है, बल्कि किसी भी किस्म का कोई इदारा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ट्रेडिंग हाउस हो, वो कोई हॉस्पिटल हो, वो कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, वो कोई मस्जिद हो, या वो कोई मदरसा हो, तो किसी भी किस्म का कोई इदारा हो, तो वो जो इदारे हमारे हैं और जो हमारे अफराद हैं, उनकी जिंदगियों सही, को मीनिंगफुल बनाने में और उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसको मीनिंगफुल बनाने में उनको हेल्प करना, ट्रेनिंग के थ्रू, कंसल्टिंग के थ्रू और कोचिंग के थ्रू। तो हमारी जो बिजनेस कंसल्टिंग जो मैं करता सही, हूँ, या हम जो ट्रेनिंग्स करते हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग बराए ट्रेनिंग नहीं है, या हमारी जो कंसल्टिंग है बिजनेस कंसल्टिंग, वो बिजनेस कंसल्टिंग बराए बिजनेस कंसल्टिंग नहीं है, बल्कि उसके पीछे मकसद ये है कि हमारे जो अफराद हैं, तो वो उमर मलिक अमान साहब की तरह जो है वो उन चीज़ों को सीखकर अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने वाले बन जाएं, वो अपनी ज़िंदगियों को बामकसद बनाएं, वो जब तक इस दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि हम सब के पास इस दुनिया के अंदर वक्त महदूद है, और हमें जो कैच 22 है वो ये है कि हमें ये नहीं मालूम है कि हमारे पास वक्त कितना है ना। तो किसी सही, तो लोग जो है ना वो बिल्कुल पैदा होने के एक दिन बाद, एक दिन का बच्चे से लेके और 100 साल के जो है ना वो बूढ़े तक, हर उम्र के लोग जो है ना वो दुनिया से रुखसत हो रहे होते हैं। तो इस वक्त को हम ऐसे सही। तरीके से मैनेज करने वाले बन जाएं, और दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना वो हमें कामयाबी अता फरमाए। यानी कि आखिरत में तो कामयाबी हमें चाहिए, लेकिन अगर दुनिया में भी हम आए हैं तो दुनिया में भी तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ना कि आप दुनिया में जो है ना नाकाम हो जाएं और जो है ना दुनिया में रगड़े खाते रहें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर, आउज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाब अन्नार। उन्होंने फरमाया कि फिद दुनिया, यानी कि दुनिया पहले आई है इस दुआ के अंदर ना, कि दुनिया जो है ना वो रब्बना आतीना सही फिद दुनिया हसना, दुनिया के अंदर भी हसना बेहतरीन, अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर भी बेहतरीन अता फरमा दे और आखिरत के अंदर भी बेहतरीन अता फरमा दे। तो हमने क्या किया कि जो है ना आमीन। वो हमने जो है ना वो इस बात को समझा नहीं, दुनिया में हमने समझा कि शायद जो है ना वो हम रगड़े खाते रहेंगे और जनाब अली हार डाल के रहेंगे तो शायद ये बड़ी कामयाबी है। तो कामयाबी ये है कि आप बिजनेस करें, आप ट्रेनिंग करें, आप जो है ना कंसल्टिंग करें, आप एक स्कूल चलाएं, आप एक यूनिवर्सिटी चलाएं, आप हर काम को हसना ऐसन तरीके से करें, इतने अच्छे तरीके से करें, मैं कहता हूँ कि
आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम करने वाला कोई दूसरा मुश्किल से मिले। आपकी जो है ना सही वो जो क्या कहना चाहिए, एक्सीलेंस का लेवल है ना, वो उस यूनिक लेवल पे होना चाहिए कि लोग कहें कि यार ये वाला जो काम है ना, या ये वाली ट्रेनिंग है, या ये वाला प्रोडक्ट है, या ये वाला बिजनेस है ना, यार ये तो उमेर मलिक साहब एक होते हैं, यार वो उनकी कंपनी है दुनिया में जो करती है। बस दुनिया में एक ही कंपनी है, या पाकिस्तान में एक ही कंपनी है यार जो नंबर वन पे, और भी लोग करते हैं, लेकिन यार वो बात नहीं है। अब बात समझ रहे मेरी, क्या ख्याल है? तो हम चाहते हैं कि मतलब हमारे अंदर, जैसे हाँ विजन या टाइम मैनेजमेंट का कोई है नाम दे तो, जी, अल्लाह का फजल है अगर कि पाकिस्तान विजन, में कोई विजन और टाइम मैनेजमेंट के काम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि भाई, अच्छा इसलिए जो है ना वो, मैं एक और बात भी कहता हूँ कि हाँ ना, हमारा मकसद क्या है कि भाई ये कि एक तो हम इस बात को समझे ना, और दूसरी बात ये कि देखें, हर हर काम करने का नहीं है, ठीक है ना। सही अब ट्रेनिंग तो जैसे, अगर हम ट्रेनिंग कंपनी है, तो हमारे पास जब ट्रेनिंग कंपनी स्टैब्लिश हुई, तो ये कंपनी टाइनेंडर जो है ना, पहले तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन को 4 साल, 2002 से लेके और 2006 तक, सिर्फ स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स था जो कि इस कंपनी के प्लेटफॉर्म से जो है ना वो होता था। तो लोग कहते थे कि यार ये क्या बात है यार, एक ही कोर्स, और वो कोर्स जो सही ना वो हर महीने हो रहा है, मुख्तलिफ कंपनी में था ही नहीं। फिर इसी कोर्स से स्ट्रेटेजिक विजन्स का कोर्स जो है ना वो सही निकला, वो 2006 में शुरू हुआ। तो लोगों ने कहा यार बस दो कोर्स, फिर जो है ना वो ब्रिजिंग डिफरेंसेस वाला या नेगोशिएशन वाला वो 2007 में आया। तो कहने का मकसद क्या है, यानी सही 2005 में आया था वो, सॉरी वो दोबारा, वो पहले आया था। तो ये दो तीन कोर्स थे, स्लीप मैनेजमेंट का एक कोर्स था। तो लोग कहते थे कि यार सही सेल्स मैनेजमेंट पे भी करवाओ, फलाने पे भी करवाओ, ये भी करो भाई, ट्रेनिंग के मौजूदात, कंसल्टिंग के मौजूदात तो बेशुमार हो सकते हैं ना। तो हमने उसमें फैसला किया था कि हम वो काम करेंगे जिसके अंदर हमारी, हमारा फोर्टे हो, हमारी स्ट्रेंथ हो, और ठीक हम वो चीज दे सकें उसको, इतना आप जो है ना वो उसको इतना पॉलिश करें कि उस लेवल के ऊपर देने वाले लोग जो है ना वो कम से कम हो। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि चले, हमारे पास, हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सही बहुत बड़ा नहीं है, बट वट एवर वी डू, वी ट्राई टू डू एट पार एक्सीलेंस, कोशिश हम ये करते हैं। और हम यही बात समझाने की कोशिश करते हैं सही अपने हाजरीन और सामईन और नाजरीन और सारिफीन को, कि जो है वो आप जो भी काम करें वो इतनी, इतना खूबसूरत हो, इतना अच्छा हो कि अल्लाह सुबहानहु तआला भी जो है ना वो कहें वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और जो है ना एहसान किया करो, यानी कि खूबसूरत काम किया करो। क्यों? यकीनन अल्लाह ताला जो है वो मुहसिनीन से, यानी कि खूबसूरत काम करने वालों से मोहब्बत करता है। तो मैं और आप अल्लाह ताला की मोहब्बत के हकदार हो जाएं सही मानों में। सही ये है, अब आप मुझे कहेंगे तो मैं तो कहता चला जाऊंगा। आमीन। अच्छा जी जी मैं ये कह रहा था कि फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हाँ चले अब चले, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में भी एक्सीलेंस चाह रहे हैं सब चीज़ों में। तो अब ये जो इतना ज़बरदस्त महीना अल्लाह ताला हमें हमारे बिल्कुल करीब आ गया है, और बिल्कुल माशाल्लाह आप पिछले कई सालों से हम लोगों का ये महीना अच्छा गुजर जाए उसके लिए एक वर्कशॉप भी करवाते हैं, तो जी उसी जी से जी उस वो मैंने भी एक दफ़ा अटेंड की थी 2017 में, तो मुझे अब देखे बहुत ना, ये फ़ायदा हुआ कितना था क्योंकि आपने, वो कितना बिल्कुल जुल्म आपने, मेरे जुल्म पास। ये किया कि आपने वो एक मरतबा अटेंड की 2017 में। अल्लाह के बंदे, ये तो वो वर्कशॉप है कि सही जो हर साल आपको करनी, क्योंकि ये वर्कशॉप साल में होती ही एक मरतबा है, ये रेगुलर वर्कशॉप तो है नहीं, ये तो एक खास वर्कशॉप है जो साल में एक ही मरतबा होती है। और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं उमेर भाई, जो इस वर्कशॉप को 2016 से लेके और आज तक हर साल करते आ रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, अब आपने नहीं की जो है ना दोबारा तो अलग बात है, लेकिन ये करनी चाहिए हर साल, क्यों, हर साल हमें सही तस्कीर की और याद दहानी की जरूरत होती बिल्कुल। तो अब पूरी वर्कशॉप तो नहीं, लेकिन कुछ बातें आप उसकी अगर अभी ऑडियंस से शेयर कर लें, ताकि हम लोगों जो लोग मिस कर चुके हैं। अच्छा अगर अगर अभी उसे अटेंड करने की कोई अपॉर्चुनिटी हो तो ये भी बता दीजिएगा। अभी। अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी और ये है कि चूंकि ये वर्कशॉप ऑनलाइन थी, और ये लास्ट जो वीकेंड गुजरा है उस पर मैंने ये की थी ऑनलाइन, और इसमें माशाल्लाह तकरीबन कोई 250 के लगभग, 250 लोग थे जिन्होंने रजिस्टर किया था, दुनिया के मुख्तलिफ मालिक से। ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान से थे, लेकिन उसके अलावा हिंदुस्तान से भी थे, और अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, इटली से, हॉलैंड से, चाइना से,
मिडल ईस्ट में तकरीबन हर मुल्क से लोग थे, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब इमारात और इजिप्ट, तो मुख्तलिफ जगहों से लोग थे। तो ये ऑनलाइन वर्कशॉप हमने लास्ट वीकेंड पे की थी, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, और जो करना चाहता है तो वो उस रिकॉर्डिंग को परचेज कर सकता है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या हमारे किसी साथी से रब्ता कर लें। ये वर्कशॉप तकरीबन 6 घंटे की है, 2 सेशन हैं, 3 3 घंटे के, और वो अवेलेबल है, और माशाल्लाह से आज तक भी, अभी तक भी लोग उसको सही, रब्ता कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए कि अलहमदिल्ला वो कोई एक आध घंटे का या आधे घंटे का प्रोग्राम नहीं है ना, वो 6 घंटे का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पूरा पूरा फ्रेमवर्क है। और आपने तो खैर किया हुआ है 2017 में, लेकिन इस मरतबा इस साल की वर्कशॉप में मैंने काफी सारी कंटेंट को काफी सारे मैंने अपग्रेड किया उसको, हमने जो है ना वो इस मरतबा काफी चीजें हमने ऐड की थी। तो वो एक ऐसी चीज है कि जो 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 है ना जो जो सही के करनी चाहिए, और उसको करना इसलिए चाहिए कि मैं एक बात आपके जो बात शुरू हो चुकी है तो मैं ये कहता चलूँ कि देखें, वैसे तो जो है ना वो जिंदगी का हमें नहीं पता कि कल रहेगी नहीं रहेगी, बल्कि अगले लम्हे भी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा, आप भी और जो हमारे सामईन भी सुन रहे हैं मेरी बात को, या नाजरीन जो देख रहे हैं इस वक्त मुझे और आपको, वो थोड़ा सा जो है ना वो चंद सेकंड लगाएं, आधा मिनट लगा के थोड़ा सा तदब्बुर करें, रिफ्लेक्शन करें, और ये देखें कि वो उनके आपके हलका अहबाब में, घर में, खानदान में, जानने वालों में ऐसे लोग जो पिछले साल रमजान में मौजूद थे इस दुनिया के अंदर, और उन्होंने रोजे भी रखे और उन्होंने इबादात भी की, उन्होंने सदकात भी किए, लेकिन इस साल वो अब रमजान शुरू होने से 2 दिन पहले, अब हम रह गए 2 दिन तकरीबन रह गए, तो वो दुनिया में मौजूद नहीं है। हम सबके हलका अहबाब में, एक्वेंटेंसीज में ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों का वो जो है ना वो सोचें, और बल्कि अगर लोग आपके कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट के अंदर जो है ना वो डालें कि हाँ यार मेरे जानने वालों में से 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, मुझे फलां साहब थे, मेरे मामू थे, मेरे फुप्पी थी, मेरा फलाना कजन था, फलाना दोस्त के अब्बा थे, मेरे वाले साहब थे, मेरी वालदा थी, तो अगर सोचें तो सही, ऐसे लोग थे क्या? जी उमेर भाई, सही, मेरे तो अपने वाले साहब बिल्कुल बस हफ्ता भर पहले, जी आपके वालिद साहब पिछले हफ्ते इंतकाल कर गए, तो जी इसके जी वालिद साहब के अलावा और आपके के जानने वालों में पिछले 1 साल में कोई दुनिया से रुख्सत हुआ, कोई क्लाइंट, कोई जानने वाला, कोई दोस्त, किसी के वालिद, किसी की वालदा, जी कोई पड़ोसी? हैं 8-10 लोग हैं, 8 10 लोग ना, देखिए हम सभी सबके, इसका जहन मतलब में ये, एक भाई बात असल में ये कोई है कि रिश्ते लोग हम सबके ही हलका आ रहे अहबाब हैं, कुछ में, उसमें से कुछ जानने वाले हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ, हम सबके ही हलका अहबाब में ऐसे लोग आपको याद आ जाएंगे, नजर आ जाएंगे, जो पिछले साल, ये पिछले 1 साल में दुनिया से रुख्सत हुए, या पिछले 2 सालों में दुनिया से रुख्सत हुए ना, तो अब हमें नहीं मालूम कि भाई अगले साल जो है ना वो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अब पता नहीं ये सही, रमजान जो आ रहा है, ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान ठीक है या और रमजान मिलने वाले हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि हम इस तरीके से इस महीने की प्लानिंग, मनसूबाबंदी और गोल सेटिंग करें कि अगर ये आखिरी रमजान हमारी जिंदगियों का साबित हो, तो वो रमजान फिर ऐसा गुजर जाए कि उसकी बुनियाद पर मेरी आपकी कोई मगफरत का इम्कान बढ़ जाए और मगफरत हो जाए। आमीन आमीन। तो सबसे पहले तो इस वर्कशॉप के को की अगर आप बात करें ना, सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, रिफ्लेक्शन करवाते हैं कि भाई आप ये तो जी सोचें, ठीक है ना, आप सोचे तो सही, अगर आपको बता दिया जाए, चले अगर आपको चले सपोज करें कि आपको कंफर्म हो गया कि ये आपका आखिरी रमजान है, अब क्या करेंगे आप? तो उसको ऐसे गुजारेंगे कि जैसे मतलब जितना हो सके मतलब उससे कैसे? ज्यादा ही अब करने की यार ये कोशिश तो करेंगे देखो, ये जो बातें हैं ना, जितना हो सके और इतना हो सके और ऐसे हो जाए और वैसे हो जाएगा और मैं सबसे ज्यादा करूं, जी। भाई
ये सारी बड़ी वेग बातें हैं, मैं यही हम समझाते हैं ना अपनी वर्कशॉप के अंदर। देखिए इतनी वेग बात नहीं करनी चाहिए ना, हम क्या करते हैं, हम इसी हमारा असल में उमूमी तौर पे एक हमारा मसला है माशरे के अंदर। मसला क्या है कि हम जो है ना वो स्पेसिफिक बात नहीं करते, हम बहुत ही लूज किस्म की। अपनी जिंदगी में भी हम देखेंगे ना आमतौर पर, तो हमारा जो आप माशरे में रवैया देखेंगे तो वो क्या होता है कि बड़ा ही जो है ना वो लूज किस्म का एक हमारा एटीट्यूड होता है। अच्छा देखेंगे, हो जाएगा, बहुत अच्छा गुजारेंगे। आप वालिद हैं, अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे इंसान पे। अच्छा अच्छा क्या होता है, ये रमजान का महीना बहुत अच्छा गुजर जाए भाई, अच्छा क्या होता है? आपका कारोबार का क्या सही विजन है? बस मैं चाहता हूँ मेरा कारोबार अच्छा हो जाए। अरे बाबा अच्छा, अच्छे का मतलब क्या है? अब वो अच्छे का, अच्छे की जो डेफिनेशन है ना वो किसी के पास नहीं होती। तो नतीजा क्या होता है कि हम जो है ना हवा में तीर चलाते हैं अक्सर जी सर, पेशकर, और टामक टुइया मारते हुए हमारी जिंदगी गुजर जाती है। कभी छक्का लग जाता है, यानी कि सही हमारे भाई शाहिद अफरीदी वाली बैटिंग होती है, फिर कभी कभी तो छक्के लग जाते हैं, और कभी कभी जो है ना वो गिल्ला उड़ जाता है। तो बोले ना यार आउट हो गए, क्या हुआ भाई हैं? और सही एक ठीक है, वो भी एक अपना एक स्टाइल है, आफरीदी भाई का भी अपना एक स्टाइल था, ठीक है ना, एंटरटेनिंग स्टाइल था उनका, और एंटरटेन भी करते थे कभी कभी, ये कभी कभी वो बहुत मायूस भी करते थे नहीं तो ठीक है ना, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन हाई है और उन्होंने जो है ना वो कैसी हरकत कर दी बैटिंग करते हुए। सही लेकिन उसके मुकाबले में आप देखें वो बैट्समैन, मैं मिसाल खेल की इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोग खेल की मिसाल से जल्दी समझ जाते हैं बात को। वो बैट्समैन जो अपने कैरियर में कंसिस्टेंट रहे हो, सही जैसे सचिन तेंदुलकर था, जैसे इंजमामुल हक था, जैसे मोहम्मद यूसुफ थे हमारे, तो सही ये अब ये वो विवियन रिचर्ड्स थे वेस्ट इंडीज के जमाने में, ये सही वो खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस में आपको एक फ्लो नजर आता है, फ्लो और एक कंसिस्टेंसी नजर आती है। तो असल जो कामयाबी है मेरे भाई वो है, जब होती है जब आप अपनी किसी भी परफॉर्मेंस के अंदर कंसिस्टेंट होते हैं। तो रमजान का जो महीना है बुनियादी तौर पे, सही उसको अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल गुजरे, अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, तो सबसे पहली चीज आपको समझनी चाहिए कि यार मैं इस महीने में कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आऊं। चूंकि हमारे पास जो है ना वो कंसिस्टेंसी का फुकदान सही है ना, आप हमारे आम मामूलात जिंदगी को देखें, आप माशरे के अंदर देखें ना, आपको कंसिस्टेंसी नजर नहीं आएगी। कभी जोश चढ़ेगा तो ओए होए दो दो घंटे की एक्सरसाइज बंदा करना शुरू कर देगा, ट्रेडमिल भी खरीद के ले आएगा घर पे 50,000 रुपए की, है जी, और कंसिस्टेंसी जब गई तो उसी ट्रेडमिल के ऊपर जो है ना तौलिए सूख रहे होंगे, और घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनके जो ना लंगोट सही और फालियां पड़ी हुई होंगी उसके ऊपर, वो ट्रेडमिल को फिर जंग लग जाता है। हमारा मसला ये है। तो सही भाई ऐसे नहीं, दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के लिए कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है, की वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चाबी है। इवन मैं कहता हूं कि अगर आप अपना कोई विजन बना भी लेना, तो विजन बनाने से सही अचीव थोड़ी होता है, विजन के ऊपर तो काम करना पड़ेगा ना, और काम करने के लिए फिर कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। और कंसिस्टेंसी रमजान के, अगर मैं रेफरेंस से बात करूं, सही रमजान के महीने में अगर कोई बंदा चाहता है कि वो कंसिस्टेंट हो, तो उसको दो चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितने आपके हाजरीन और नाजरीन और सामईन सुन रहे हैं मेरी सही बात को, वो नोट्स चाहें तो ले लें, उनको ये बातें जो ना वो किसी जगह मिलेंगी नहीं किसी किताब के अंदर, ठीक है ना, ये किसी और जगह पर किसी लेक्चर में मिलेंगी आपको, ये तो हमने छोटे खा खा के सही रिसर्च कर करके निकाला है। कंसिस्टेंसी रमजान के महीने में आती है दो चीजों से। नंबर 1, आपको अपनी जो रूटीन है वो प्रोडक्टिव बनानी होती है, जिसमें आपकी रात का निजाम, आपके दिन का निजाम, जिसके सही अंदर आपके जो सबोरोज की मैनेजमेंट है ना वो प्रोडक्टिव होनी बड़ी जरूरी है। और नंबर 2, ये प्रोडक्टिव हो ही नहीं सही सकेगी, अगर ये प्रोडक्टिव नहीं हो सकेगी अगर आप अपनी रमजान के महीने में एनर्जी मेंटेन नहीं कर सकेंगे। क्यों? रमजान में आपको सुबह सादिक से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक हमें और सही आपको रहना होता है भूखा और प्यासा, तो सारा जो गेम है ना वो है एनर्जी सही मैनेजमेंट। अच्छा आप एनर्जी अगर एक एक शख्स अपनी मैनेज नहीं कर सके प्रॉपरली, चाहे उसको पता ही ना हो
यार मैं एनर्जी जो हमारे यहाँ चूंकि इस तरह की बात आमतौर पर की नहीं जाती, इसके ऊपर बात ही कभी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लोग माशाल्लाह से जो ना वो रोजे रखने के सही शौकीन भी होते हैं, रमजान का इंतजार भी करते हैं, तरावी भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, इबादतें करना चाहते हैं, सारे काम करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह से जो है ना वो दीनी हलकों के अंदर जो है ना वो इन इस हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत भी होती है इस्तकबाल रमजान के। आपको मालूम है कि जगह जगह मस्जिदों में, गलियों मोहल्लों में जो है ना वो प्रोग्राम होते हैं। चले इस मरतबा तो COVID-19 की वजह से मस्जिद में इज्तिमा नहीं हो रहे, वो दुरूस कुरान नहीं हो रहे, वो बयान तरीके से नहीं हो रहे, कुछ ऑनलाइन बहरहाल सिलसिले दुनिया सही भर में चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस पे तो बात होती है। लेकिन असल मसला क्या होता है कि भाई सारा जोश व खरोश जो है ना वो तो पैदा हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर एनर्जी आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप अपने शबो रोज को, अपने रूटीन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उसका अब मैं बताता हूँ होता क्या है। नहीं कर अब आप पाएंगे। मेरी बात को सही जरा गौर से सुनिएगा, मैं कंटिन्यू करूँ ना अपनी बात को। जी, ठीक हैं है जी, कंटिन्यू रखें हाँ, देखिए जब रमजान, जी अभी जी रमजान का महीना बोलेंगे। आने वाला है ना, अभी आप देखेंगे कि जनाब अली हम सब लोगों का जो जोश और खरोश है वो दीदीनी है। पर रमजान आने वाला, रमजान आने वाला, रमजान आने वाला था, मस्जिदें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, तरावी होगी नहीं होगी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, उलमा क्या कह रहे हैं, लामिया आ गया नहीं आ गया, ये सारी बातें चल रही है जी। तो होता क्या है, पिछले सही सालों में अगर आप अपनी जिंदगी पे जरा जो ना एक नजर दौड़ाएं, जो हम सबके रमजान के एक्सपीरियंसेस माजी में, हम सब लोग ने रमजान गुजारे हैं ना जिंदगी में, देखें क्या होता है। रमजान का चांद नजर आया, पता लगा अरे यार आज सही पहली तरावी है, पहली तरावी, पहली तरावी, चलो 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 भाई पहली तरावी, पहली तरावी। अब सब जो है ना जनाब अली भाग दौड़, सब मस्जिद पहुंच रहे हैं जनाब पहली तरावी के अंदर, ओए हो रश लगा हुआ है, बाहर सैन तक मस्जिद भरी हुई है, यानी कि बैटरी जो है वो सही एकदम से चार्ज हो गई है, समझे आप। ठीक अच्छा जो है ना वो मस्जिद के इमाम साहब भी खुश, मौजन साहब भी खुश है, मस्जिद भी बड़ी खुश के यार ये तो पता नहीं आज क्या हुआ है, पब्लिक जो है वो कहीं से एकदम से उमड़ के आई है, ये पता नहीं कहाँ से लोग सारे के सारे ना, तो मस्जिद भरी हुई है, पहली सही तरावी गुजर गई, अच्छा दूसरी तरावी में भी लोग होंगे, तीसरी तरावी में भी लोग होंगे, चौथी तक होंगे, अच्छा पांचवी तरावी में आप देखेंगे ना पता लगेगा कि तकरीबन कोई एक जोड़े सफ कम हो गई है, पीछे से कोई एक सफ डेढ़ सफ के लोग जो है ना वो कम हो गए हैं। अच्छा छठी तरावी में चंद लोग और गायब हो जाएंगे, दो सफें कम हो गई। अच्छा अब आप देखेंगे कि दसवें रोजे सही तक यानी कि पहले अशरे के अख्तितम तक जो है ना वो पीछे से तीन चार सफों के लोग गायब हो गए। तो क्या हुआ, वो जो सही एकदम से जो बैटरी चार्ज हुई थी ना सर रमजान के चांद रात को और पहली तरावी के दिन, वो चार पांच दिन के बाद बैटरी जो है ना दोबारा से टू करके नीचे, अगर नीचे अब 10 तारीख, दस सही दस रमजान तक जो है पहले अशरे के इख्तिताम तक आपकी जो बैटरी होती है ना सर वो कोई चल रही होती है 50%, 55%, 60% पे आ जाती है। वो पहले रोजे में 80-90% पे थी, अब वो नीचे आके हो गई है तकरीबन 50-55-60%। अच्छा अब शुरू हुआ दूसरा अशरा, अच्छा दूसरा अशरे तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि सर हमारा बन गया रूटीन, अब रमजान बन गया है रूटीन, क्योंकि रमजान रूटीन बन चुका, सही आप 10 दिन से जो है ना सुबह उठ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, खा रहे हैं, शाम को इफ्तार कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक रूटीन के अंदर चीजें आ गई हैं आपकी, तो अब जो ना वो जो जोश और खरोश था, वो जो बैटरी की जो चार्ज थी जो पहले दिन, वो चार्ज अब आपका जो है ना वो और खत्म हो चुका है, और आप देखेंगे 11वें रमजान रोजे से लेके और 20वें रोजे सही तक जो हमारी बैटरी बैटरी होती है ना सर, वो बैटरी हमारी चल रही होती है तकरीबन कोई 40% के ऊपर, 35-40% पे। मस्जिद में देखेंगे पीछे से 6-7 सफे कम हो जाती हैं तरावी में, सही अंदर के लोग रह जाते हैं खाली, मस्जिदों के दिन मस्जिदों में सहन होते हैं ना, तो सहन वाले लोग फारिग हो जाते हैं, सही पार्क में जो है ना बाहर 2-3 सफे रहती हैं, अंदर की सफे रहेंगी, बाकी सब गायब हो गए, तो ये चलेगा हिसाब किताब अब आपका जो है ना 20 रमजान तक। अच्छा आप क्या हुआ, दूसरा अशरा भी खत्म हो गया, अब तीसरा अशरा भी शुरू हुआ, तो एकदम से लोगों को ख्याल आता है ओहो यार तीसरा अशरा शुरू हो गया, चलो भाई अच्छा इसमें ताखरातें भी आती हैं, तो थोड़ा थोड़ा लोगों का जो है ना दोबारा से थोड़ा 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 बढ़ेगा, अगर अभी भी चार्ज पूरा नहीं आएगा, वो दोबारा से सही 35-40% से आएंगे 60-65% के ऊपर, तो कुछ लोग थोड़े से एक दो सफे बढ़ेंगी, और फिर अब ये जाके जो चार्ज है आपकी बैटरी का ये जंप मारेगा 27वीं शब को, 27वीं शब को तो सर मिठाई मिलती है ना मस्जिदों में, वो तो हो नहीं सकता कि कहते ना हफ्ता जाए मुफ्ता ना जाए, सब हमारा प्लान होता है। तो पब्लिक ने छोड़ना नहीं है, वो तो जो है ना वो
पब्लिक पहुंची, बच्चे बच्चे सब सब आप देख, घरों से लोग बच्चों को लेके जाते हैं अपने, भाई तुम उधर बैठो, तुम उधर बैठो, मिठाई का डब्बा पकड़ना है सबने, समझे ना आप। 27वीं को जनाब एक मारा मारी मस्जिदों के अंदर, आज ही रमजान का पीक है और शबे कदर भी आज है, सारा कुछ आज है। और उसके बाद 28वीं से फिर एकदम से डाउन, और फिर उसके बाद तो फिर ईद की शॉपिंग है और आखिरी के 3 दिन है। और पहले तो होता था ना कि इस मरतबा तो खैर नहीं होगा, लेकिन हमेशा क्या होता है वो जो बाजार लगते हैं, क्या कहलाते हैं वो जो लगते हैं ना रातों में, स्टॉल्स हैं स्टॉल्स हाँ स्टॉल, स्टॉल स्टॉल जो लगते हैं वो, स्टॉल उसके स्टॉल जो ऊपर जो है लगते ना, आओ यस यस यस, हैं। और उसके ऊपर लोग जा रहे हैं और शॉपिंग हो रही है, और जनाब घर के जाले साफ हो रहे होंगे, ठीक है ना, शॉपिंग हो रही होगी, सारा जो आखिरी के 3 दिन जो बड़े इंपॉर्टेंट हमारे दिन होते हैं आखिरी अशरे के, वो सारे चक्कर में गल जाते हैं। ईद आ गई, ईद की सुबह जो है ना वो सब निकले, अच्छा ईद हुई, सवाल का तार नजर आया और हमने जो है ना वो रिवर्स गियर मार दिया। रिवर्स गियर का मतलब ये है कि बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि जितना हमारा जो हुआ था ना हिसाब, हमने कहा यार चलो अब वो जो हमने एक अपना वो पहनावा था रमजान का लिबादा वो उतारो, अब दोबारा से जो है ना बेटा आ जाओ उसके ऊपर। ये एक हमारा एक एक सर्कल है, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हम इसी तरीके से चलते हैं। तो भाई इस वर्कशॉप में बात करते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, हमने पूरे महीने अपनी एनर्जी मेंटेन करनी, पूरे महीने अपनी प्रोडक्टिविटी सही, मेंटेन करनी, समझे ठीक है, आप, ये है। और बोले और बताऊं या अभी काफी है? अच्छा यमीन भाई, एक सवाल ये करना चाहूँगा मैं कि जो जब हमने वर्कशॉप अटेंड की थी, जो माजी में रमज़ान आते थे तो वो तो रूटीन के साथ आते थे, लेकिन ये COVID-19 हाँ की वजह से अब तो लोग हैं घर पे, तो हाँ माशाल्लाह वो हमारे टीवी चैनल्स भी तुर्किश ड्रामे लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई उसी को कुछ लोग इबादत समझ रहे हैं कि वो देख ओ लेंगे, हाँ उस्मानिया तरावी के टाइम पे एग्जैक्ट। तो मैं उसकी तनकीद की तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तो चूंकि टाइम ज़्यादा है घर पे हाँ ना, तो या अब इसको अगर आप हमें टू डूज बता दें, जैसे कुरान कितना पढ़ना है, अहादीस की कुछ बुक्स रेफर कर दें या बता दें कि कितनी, यानी कोई एक अच्छा खासा अच्छा सा पैकेज, वही वेग ना हो, वो न्यूमेरिक हाँ टर्म्स में अगर आप हमें थोड़ा सा समझा दें, लोगों के पास टूल्स आ जाएंगे, अरे आप कह रहे हैं कि फ्री यानी में पता वर्कशॉप चल करा दूं, जाएगा ना मैं कि फ्री में करना क्या। फ्री में वर्कशॉप करा दूं आपको यहाँ पर हैं? नहीं पूरी उसका कुछ कुछ कंटेंट आ जाए पहले। अच्छा मैं कुछ कुछ कंटेंट आपको देता हूँ हजरत, तफसील आपको चाहिए हो तो आप वर्कशॉप कर लें, मेरी तो राय हाजिर सामीन। अच्छा ये कोई वर्कशॉप को 25,000 रुपए की नहीं है भाई, उसकी जो वो हमने फीस रखी है वो 2,500 रुपए है। वो अगर लोग कहते हैं भाई फीस क्यों रखी है, बता दूं मैं आपको, आपके भी शायद हो सकता है कि सवाल आ जाए। भाई इसलिए रखी है ताकि एक तो आपकी जेब से पैसे निकलें और आप कदर करें उस चीज की, क्योंकि हमने ये अपनी जिंदगी में ये देखा है और चोटे खा खा के देखा सही, है कि जो चीज फ्री में मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते, नंबर वन। नंबर टू, इस पूरी वर्कशॉप के पीछे या हमारे काम के पीछे चूंकि अच्छी खासी एक रिसर्च होती है, एक पूरी टीम काम कर रही होती है, तो हमें अपने एक्सपेंसेस को भी कवर करना होता है, मैनेज करना होता है, इसलिए हमने इसकी एक फीस बहुत छोटी सी रखी हुई 2,500 रुपये, सही, ठीक है ना। और वो कर लें, हाँ अगर कोई आलिम दीन है और वो वाकई करना चाहता है, इंटरेस्टेड है और वो क्या कहना चाहिए डिजर्विंग है, तो उसको उसके लिए हमारे पास जो है ना वो चंद स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं जो जो अभी शायद रह गई हैं, चंद होंगी, 5-6 होंगी, तो ऐसा कोई बंदा हो तो वो हमारे किसी साथी से रब्ता कर ले तो उनको हम स्पॉन्सर्ड सीट वो दे देंगे, लेकिन वो डिजर्विंग हो और वो आलिम दीन हो और वो वाकई करना चाहता हो, या कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि जो वाकई जो है ना वो करना चाहता है और वो सीरियसली उसको वो करे, तो उसके लिए जो है ना स्पॉन्सर्ड सीट चंद रह गई हैं, वो भी खत्म हो गई है, वो भी बाकी रही नहीं है, तो चंद सीट रह गई हैं, तो वो करना चाहते हो कर लें, बाकी ये है कि वो फीस दे लें और वो कर लें। और जैसा आपने कहा कि मैं अब आपको बता दूं कि भाई उसकी जो गोल्स हैं वो हम सेट कर लें और वो कर लें, तो उसमें देखें सबसे पहली चीज़ ठीक है, ये है सही, कि हम ये पहले तो ये समझ लें कि जो रमज़ान का महीना है ये कोई हमारा कल्चरल फेस्टिवल नहीं है। सही, हमारे यहाँ पिछले अगर आप देखें कोई शायद 12-15 सालों में क्या हुआ कि मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, तो रमजान जो है ना इट हैज बिकम मोर ऑफ अ कल्चरल फेस्टिवल रादर देन अ मंथ टू ट्रांसफॉर्म वंस लाइफ। तो अब वो रमजान का सही, महीने का मतलब क्या हो गया जनाब यार, आप देखते हैं कि सहरी की ट्रांसमिशन, इफ्तारी ट्रांसमिशन, गेम शोज,
और उसमें सेलिब्रिटीज आ जाती हैं, और उसके अंदर फिर आके और चक्कर पिछले चंद सालों में शुरू हो गया कि मुख्तलिफ मसालिक को उलमाओं को बिठा के और उनसे जो है ना खिलाफी मौजूदात में गुफ्तगू करा के, और जनाब अली वो रेटिंग अपनी जो है ना TRP बहुत सारे चैनल बढ़ाते हैं, और जो है ना मुख्तलिफ मसालिक के लोग उलझ जाते हैं, फेसबुक पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपस में भैंसें शुरू हो जाती हैं, फिर जो है ना वो बाहर मीडिया से निकलेंगे आप, तो आप देखेंगे पिछले चंद सालों में क्या हुआ भाई, इफ्तारी की डील्स आ रही हैं, तो सहरी की डील्स आ रही हैं, जो हमारे जो ये जो रेस्टोरेंट्स हैं और पब्लिक जो है ना इसी चक्करों में लगी हुई है, इसी तरीके से शॉपिंग की डील्स आ रही हैं, तो हम पब्लिक इसी चक्करों में लगी भाई। ये रमजान का महीना जो है ये एक कोई हमारा कल्चरल फेस्टिवल नहीं है, ये अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग पीरियड है जो अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो हमें देते हैं हर साल। सही और सही इसकी मिसाल ऐसे है कि देखें, सबसे पहले तो ये समझें कि जब आप और हम जब भी हम किसी सफर में जाते हैं, किसी सफर सही का कसद करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या तय करते हैं? टारगेट, यानी कहाँ पहुंचना है उसकी, उस वो डेस्टिनेशन। हाँ, तो सही सबसे पहले हम डेस्टिनेशन का तायुन करते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम इस सफर से क्या हासिल करना चाहते हैं, और अगर सही आप उस मंजिल का तायुन ना करें तो आप जो सफर कर रहे होंगे तो वो तो गोल गोल घूम रहे होंगे आप, यानी कि वो किसी मंजिल के सिमत में तो नहीं हुआ ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये बात हमें समझ आ रही है, तो रमजान के महीने के अंदर ये महीने का एक सही सफर है, एक महीने का सफर है, इस महीने ठीक के सफर में हम अचीव क्या करना चाहते हैं उसका तायुन तो करें ना, जिसको आपने कहा ना कि भाई हम अपने गोल्स का मकासद का तायुन तो करें। अब वो तो हमने ठीक किया नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई बस अच्छा गुजर जाए। अरे अच्छा गुजर जाए जो है ना, ये तो नहीं कोई मकसद हुआ ना, वो अच्छा सही गुजरेगा कैसे, उसका उसका रोड मैप क्या होगा? तो उसके ठीक लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप अपने जो स्पिरिचुअल जो आपके गोल्स हैं ना वो आप तय करें। स्पिरिचुअल ठीक गोल में जैसे आपने कहा आप तो नमाजें हैं, तो सही नमाजें जमात के साथ हैं, या अव्वल वक्त में, अगर आज COVID-19 की भी आपने बात की ना, अब जी कोविड जी नाइन्टीन के अंदर अगर मसाजिद बंद हैं या मसाजिद खुली हुई हैं मगर वो कुछ शर्तों के साथ खुली गई सही हैं, ठीक है ना। अच्छा, उस पर भी मैं एक बात कहता चलूँ यहाँ पर, क्योंकि बात अब आ गई है कि देखें, जो मसाजिद के हवाले से एक कमिटमेंट है जो हमारे तमाम मसालिक के उलमा और हुकूमत के दरमियान हुई है, उसमें सही कुछ शरायत हैं जो लिखी गई है ना, सबने पढ़ी होंगी वो, जी तो ये जो है ना वो हर शख्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उन शरायत को पूरा करे। इसी तरीके से हर मस्जिद की जो कमेटी है, इंतजामिया है, या उस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं या उस मस्जिद के जो नमाजी हैं, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी मस्जिद के अंदर जो है इस बात को यकीनी बनाएं कि वो शरायत पूरी की जाएं। जैसे कि सही मिसाल के तौर पे क्लोरीनेशन जो है ना वो करना, और फर्श को से धोना, या उसमें 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोगों नमाजी हजरात हैं उनका मस्जिद में ना आना, सही छोटे बच्चों का मस्जिद में ना आना, ठीक है। अब अगर हम ये पूरा ये शरायत हम पूरी नहीं करेंगे तो उससे दो बड़े नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि जो एकाबिर उलमा हैं तमाम मसालिक के, उन्होंने इस बात को कमिट किया कि भाई ठीक है, इन शरायत के साथ मसाजिद में नमाजें होंगी, जुम्मा होगा, तरावी होगी। अब ठीक अगर है हम नमाजों के अंदर, मसाजिद के अंदर ये शरायत पूरी नहीं करते तो हम वादा खिलाफी के मुर्तकेब होंगे, हो गए सही हो गए ना। अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए फर्ज, लेकिन हम सही नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो गुनाह कबीरा करके, वादा खिलाफी करके, तो सही उस नमाज का क्या फायदा, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला को मालूम है कि भाई आम हालात में ये बंदा जो मेरा है ये मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता, जुम्मा पढ़ता, तरावी पढ़ता, लेकिन सही इसने जो है वो मेरी रजा के लिए इस वादे को जो कि उलमा ने किया है और हुकूमत ने इसको इंडोर्स किया है, वो घर पे नमाज पढ़ रहा है, तो हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो घर पे नमाज पढ़ने पर भी जमात का ही अजर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो इसके ऊपर जो है ना ये हम सबको बड़ी जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए, और लोगों को जो है ना वो इस हवाले से हमें अवेयरनेस भी देनी चाहिए यार, इस बात का हम थोड़ा ख्याल रखें, मस्जिदों में जाके बहस मुबहस ना करें,
इमाम झगड़े हो रहे हैं हमारे यहाँ इस बात के ऊपर कि भाई सही मैं आ जाऊं अंदर, मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं तो आऊंगा, तो ये तो एक ख्याल रखें। दूसरा, दूसरी बात ये है कि जो मर्द हजरात हैं, अब उनका जैसे आपने कहा कि भाई क्या गोल्स, कैसे एक आप ही गोल सेट करें कि यार मैंने सारी नमाजें जो है जमात से पढ़नी है। अगर आपकी सही उम्र 50 साल से कम है और आप बीमार भी नहीं है और आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो आप जाए कि मस्जिद में नमाज पढ़ लें। फिजिकल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ लें। लेकिन अगर मस्जिद में सही वो शरायत पूरी नहीं हो रही है, सामाजिक दूरी का उसूल अप्लाई नहीं हो रहा, या जो है ना 50 साल वाला उसूल अप्लाई नहीं हो रहा, या सैनिटाइजेशन नहीं हो रही है, तो आप मस्जिद ना जाएं, आप घर में नमाज पढ़ लें। तो अगर सही आप जो है ना घर में दो लोग हैं, आप हैं और आपकी बेगम है, तो भाई आप जमात करा लें, पीछे बेगम खड़ी हो जाए। अगर सही आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे खड़े हो जाएं, वालदेन है तो वालदेन खड़े हो जाएं। भाई दो लोग हैं, जमात हो जाएगी, आपको जमात का ही सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप जमात से पढ़ लें। अच्छा, खवातीन है तो उनके लिए क्या है कि भाई वो अव्वल वक्त में नमाज अपनी जो है ना वो रमजान में पढ़ लें, नमाज को जो है वो और उसमें ताखीर ना करें, जैसे कि हमारे घरों में आमतौर पे हो जाता है क्योंकि इफ्तारी की और इसकी तैयारियां ऐसी हो रही होती है ना, तो उसमें नमाज ताखीर हो जाती है। नमाज को अव्वल वक्त पढ़ लें और उसके बाद जो भी सही काम करने करते रहें। तो एक तो इस तरीके से आप गोल बना लेंगे, यार मैंने इस महीने में मिसाल तौर पर 100% अपनी नमाजें जो है वो जमात से पढ़नी है मिसाल के तौर पर, सही एक गोल हो और फिर गया। उसको ट्रैक, उसको आप ट्रैक करें, आप ठीक ट्रैक करें ना। हमने अपने पार्टिसिपेंट्स को जो वर्कशॉप में जिन्होंने रजिस्टर किया था, हमने उनको पूरे रमजान के पूरे महीने 30 दिनों का हमने उनको एक जो है ना वो ट्रैकिंग शीट सबको दी थी, हमने वर्कबुक भी दी थी और गोल सेटिंग शीट भी दी थी, और ट्रैकिंग शीट यानी कि उसमें आप हर दिन अपना जो है ना वो ट्रैक करते जाएं कि भाई नमाजों, तो उसमें नमाजें आ गई, फिर नमाजों फर्ज नमाजों के अलावा तरावी आ जाए, तरावी डालें। आप अपना गोल बनाए कि भाई मैंने तरावी जो है वो पूरी इस मरतबा पढ़नी है, मैंने तरावी के अंदर डंडी नहीं मारनी। अब आप 20 रकत पढ़ते हैं या आप 8 रकत पढ़ते हैं, जो भी आप मसलक को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से तरावी अगर आपको मिल रही है, तो भाई आप तरावी 8 रकत पढ़ें या 20 रकत पढ़ें, पूरी तो पढ़ें। सही अच्छा, मस्जिद में हो रही है, मस्जिद में पढ़ लें, अगेन उन तमाम शरायत को सामने रखते हुए। मस्जिद में नहीं हो रही है और आपके घर में कोई हाफिज है, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ अक्सर घरों में माशाल्लाह बच्चे हिफ्ज करते हैं और वो हाफिज हैं और हिफ्ज कर चुके, तो घर में तरावी पढ़ने का इंतजाम कर लें। घर में नहीं है, अपने आसपास देख लें, माशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा हुफाज प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, तो आपको अपने सही मोहल्ले में आसपास बड़े सारे हुफाज मिल जाएंगे ना। तो अपने यार मस्जिदों के अंदर के हर घर को मस्जिद बना लें, सही हर सोचें आप उमेर भाई क्या मजा आएगा, आए हर दूसरे तीसरे घर से तरावी की आवाज आ रही हो, जबरदस्त। ओ मोहल्लों के अंदर कुरान की आवाजें गूंज रही हैं, यानी कि पाकिस्तान में 20 लाख मस्जिदें हैं। अब अगर घरों में तरावी शुरू हो जाए इस पैमाने के ऊपर, तो आप सोचें कि जो ना वो पता लगा 1 करोड़ घरों में तरावी हो रही है पाकिस्तान में, हर दूसरे तीसरे घर में तरावी हो रही है और जनाबे और घरों के अंदर आवाज आ रही है, मुझे क्या लगता है कि घर मोहल्लों का बहुत माहौल सारे बन लोग जाएगा। आपसे हो जाते हैं ना, वो भी शामिल हो जाएंगे। हाँ, वो भी शामिल हो जाएंगे, तो तरावी का अपना गोल बना लें। अच्छा, अगर नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो घर के अंदर खुद 20 रकत या 8 रकत जो भी आप करते हैं वो पढ़ने का एक अपना जो है ना गोल बनाएं कि यार मैंने घर में पढ़नी है, खवातीन घर सही में जो है ना वो पढ़ लें, जितना जो कुरान याद है उसको पढ़ लें, उसको रिपीट करके पढ़ लें, अल्लाह ताला उसका अजर दे देगा। सही गोल बना लें अपना, तरावी का हो गया, फर्ज नमाजों का हो गया, इसी तरीके से नवाफिल का एहतमाम इस महीने में, जैसे इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, उसका गोल बना लें कि यार मैंने जो है ना वो ये भी पढ़ने हैं। अगर आपकी जो है ना वो कोई नमाजें ऐसी हैं जो कजा हैं, और अगर आप जो है ना वो आपके मसलक के मुताबिक कजा नमाजें पढ़नी है, तो भाई आप वो भी प्लान कर लें, ठीक है ना। इसी तरीके से जिस तरह से हमने नमाजों की बात की, कुरान की तिलावत है, तो तिलावत का गोल बनाए। अगर लोग बड़े जोश में होते हैं, हम कुरान पढ़ेंगे कुरान पढ़ेंगे कुरान पढ़ेंगे, नहीं ऐसे नहीं पढ़े, ऐसे नहीं, आप अपना गोल बनाए कि मैं हर रोज इतना कुरान पढ़ूंगा। अब ठीक वो हर रोज आप अपने लिए एक पारा, एक सिपारा गोल मुंतखब कर लें, आधा सिपारा कर लें, आप अपने लिए जो है वो रुबा कर लें। जो देखें मकसद ये नहीं है कि मैंने कोई बहुत लॉफ्टी किस्म के गोल बनाने, नहीं, सही एक हदीस में आता है, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमा, अल्लाह सुब्हान फरमाते हैं मफहूम है हदीस का, कि अल्लाह सुब्हान तआला को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो मुस्तकिल है। मुस्तकिल किया जाए, बेशक मकदार में वो कम हो। सही
तो अल्लाह ताला जो है ना वो हमसे ये डिमांड नहीं कर रहे कि आपने जो है ना जनाबे अली रोजाना 3 सिपारे पढ़ने हैं, या आपने 1 सिपारा पढ़ना है, या आपने जो है ना वो भाई आप कहते हैं कि यार मैं कंफर्टेबली आसानी से पढ़ सकता हूँ 1 सिपारा, सही तो आप रोजाना का 1 सिपारा का टारगेट कर लें, 30 दिनों में कुरान पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, आपको 1 सिपारा एक साथ बैठ के पढ़ने में मुश्किल होती है, या सही स्पीड स्लो है, या अटक अटक के पढ़ते हैं, या चूंकि रवानी नहीं है, तिलावत रेगुलरली नहीं करते, तो परेशान ना हो, उसका तरीका बताता हूं मैं। उसका आसान तरीका क्या होता है कि आप दिन में 5 नमाजें, हर नमाज के बाद 1 सिपारा जो होता है वो आमतौर पर 24-25 पेज का होता है, ठीक सही है भाई, हर नमाज के बाद 5 पेज पढ़ लें, 5 नमाजों में, 5 फर्ज नमाजों में 1 सिपारा पूरा हो गया। आपने सही नमाज फर्ज नमाज पढ़ी, फारिग हुए, अस्कार किए, दुआ पढ़ के फारिग हुए, कुरान उठाए, 5 सफे पढ़ लें, जोहर के बाद फिर 5 सफे पढ़ लें, असर के बाद, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, हो गया कुरान पूरा आपका, 1 सिपारा पूरा हो गया आपका, ठीक टारगेट कंप्लीटेड। सही इसी तरीके से कुरान की तिलावत के साथ अस्कार, इस महीने में अस्कार, अब पहला महीना जो है वो रहमत का महीना है, दूसरा महीना जो है वो मगफरत का अच्छा। महीना है, तीसरा महीना जो है वो जहन्नम की आग से निजात का महीना है। इन तीनों अशरों की अपनी अपनी दुआएं हैं, अब वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो सबको मालूम है, वो देख भी सकते हैं, वो दुआएं हैं, उनको अपने मामूलात का हिस्सा बना लें। इसी तरीके से इस महीने में आप सहरी के लिए भी उठ रहे हैं, इफ्तार भी कर रहे हैं, तो सहरी और इफ्तार के औकात में सुबह और शाम के अस्कार, जो मस्तून अस्कार हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो मामूल बना लें। इसी तरीके से इस्तगफार की एक तस्बीह का टारगेट कर लें, यार मैंने दिन में इस्तगफार की एक तस्बीह करनी है। सही इसी तरीके से जनाब अली अल्लाह ताला की हम्द करनी है, उसके लिए तीसरा कलमा है वो पढ़ा जा सकता है, उसके लिए सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिक्र सिखाया है और इसके मुतालिक फरमाया है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो जबान पे बहुत हल्के हैं, आमाल नामे में बहुत भारी हैं, तो सही इसको मामूल बना लें, चलते फिरते कर लें, ठीक सही है। दुरू शरीफ है, दुरू शरीफ सही को अपनी जबान पे जारी कर दें, यानी कि इस महीने में हम अपनी जबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। और जो हमारी खवातीन हैं, हमारी जो माएँ बहनें हैं, अब वो किचन में काम कर रही हैं, भाई किचन में काम करती रहे, जबान चलती रहे, दिल दिल में जो है ना वो सही जिक्र चलता रहे, क्या बात है। आप सोचे ना कि इफ्तारी बन रही है और इफ्तारी बनाने वाली मेरी जो हमारी बेगम है या बहन है या वालदा हैं, इनके जबान से अल्लाह का जिक्र भी चल रहा, उस इफ्तारी के अंदर, उस सहरी के अंदर क्या बरकत होगी। आप सोचें, सही तो इन चीजों को आप टारगेट कर लें, क्वांटिफाई करके, यार मैं इतना करूंगा रोजाना। मैं नहीं कह रहा कि आप 100 करें, या 100 दफा पढ़ें, या 200 दफा पढ़ें, या 1000 दफा पढ़ें, मैं कह रहा हूं कि आप एक टारगेट अपने लिए कर लें और वो टारगेट उतना रखें जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ पूरा महीना कर सकते हो, ठीक है समझ गया आप। तो तिलावत भी हो गई, अस्कार भी हो गई, नमाजें भी हो गई, तरावी भी हो गई, इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी ऐसी सुन्नतें हैं जो कि हमसे छूटी हुई हैं, या आम हालात में हम उन सुन्नतों को कभी फॉलो करते हैं, कभी नहीं करते, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं खवातीन हजरात जो करते ही नहीं है। तो आप इस महीने में एक टारगेट कर लें कि यार मैंने इस महीने में ना कम अज कम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 5 सुन्नतें या 6 सुन्नतें अपनी जिंदगी में शामिल करनी है। सही मैं मिसवाक नहीं करता, मिसवाक को शामिल कर लें, मैं टोपी नहीं पहनता हूँ, मर्दों की बात कर रहा हूँ, तो मैं जो है ना यार टोपी हुजूर की एक सुन्नत है तो मैं टोपी पहना करूंगा हर वक्त। खुशबू लगाना जो है ना वो हुजूर सल्लम की सुन्नत है, यार मैं खुशबू लगाता नहीं हूँ, मैं मस्जिद भी ऐसे चला जाता हूँ, बाहर भी ऐसे निकल जाता हूँ, पसीने की बू आ रही होती है, जबकि हुजूर सल्लम जो है ना वो तो फरमाते हैं कि जो पसंदीदा तरीन चीजें हैं दुनिया में हुजूर सल्लम की, उनमें से एक खुशबू है। सही और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक जो है ना वो उनके कॉल का कहीं से जो है ना मुझे वो मिला था कि भाई जिन चीजों के ऊपर इसराफ का सवाल नहीं नहीं है होता उसमें एक चीज खुशबू है, तो सही भाई खुशबू लगाएं, ये हुजूर की सुन्नत है, जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो अक्सर लोगों ने तर्क की हुई है। क्योंकि मैं सफर बहुत करता हूँ, ट्रेवल बहुत मैं करता हूँ, जब हम जाते हैं कभी अरब ममालिक में, सऊदी अरब जाते हैं हम, दुबई जाते हैं और जगहों पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पे कोई मस्जिद ऐसी नहीं मिलती मिलती जहां पे जो है ना वो ऊंट की, बखूर की,
जो है ना वो खुशबू ना हो और बखूर ना जल रहा हो। कोई जो है ना वो अरबी भाई हमारा ऐसा नहीं मुझे मिलता कि जिसके कपड़ों से जो है ना वो बहुत ही शानदार इतर की खुशबू ना आ रही हो। मतलब वो माली तौर पे भले वो कोई जो है ना लोअर मिडिल क्लास का आदमी होगा, खुशबू लगी हुई होगी उसके, यानी कि उनके यहाँ सही है। खुशबू का जो है ना वो सुन्नत इतनी ज्यादा जो है उन्होंने अपनाई हुई। तो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, हम खुशबू भी खरीदेंगे तो जाके सस्ती वाली खरीद के लाएंगे। मैं कहता हूं कि अगर सही। अल्लाह तआला ने आपको तौफीक दी है और माली तौर पे आपको इस्ताद दी है, तो यार आप इस महीने में बेहतरीन जो है ना दो तीन खुशबुएं खरीदें और जो है ना वो खुशबुएं लगाएं। मेरी तो बेगम सही। बच्चे कहते हैं कि आप जो है ना वो बस एक ही काम रह गया है कि नहाने के पानी में भी आप बस ना खुशबू डाल लें। मुझे खुशबुओं का इसलिए कि भाई देखिए ना, अब हम कहीं जाएं किसी से मिलें, आप कैसा लगेगा अगर आपको बराबर वाले बंदे के पास पसीने की बदबू आ रही हो? सही। बुरा लगेगा। हमारा दीन कह रहा है कि भाई प्याज खा के मस्जिद ना जाओ, लहसुन खा के मस्जिद ना जाओ। हम पसीने सही। की बदबूएं लेके मस्जिद में पहुंचे भी होते हैं। अरे बाबा जेब में रख लो यार इतर की बोतल, गाड़ी में रख लो। तो इस मैं मिसाल लेके समझा रहा हूँ कि सुन्नतें जो हमसे तर्क हुई हुई है उनको अपना, दाढ़ी नहीं है किसी की, नियत कर ले यार कि इस महीने में मैंने दाढ़ी रखनी है और दाढ़ी छोड़नी मैंने, फिर मैंने नहीं। साफ नहीं करनी। ये नहीं कि ईद ईद का चांद नजर आया तो हजाम के पास लाइन लगी हुई सही। है। वैसे अल्लाह करे हजाम खुले ही ना, अब के तो हम सब लोगों की ईदें होंगी, बड़े बड़े बालों और बड़ी बड़ी दाढ़ी होंगे साथ। ठीक है, तो सुन्नतों का कोई टारगेट बना लें कि भाई ये दो चार पांच सुन्नत। खवातीन है तो खवातीन भी बनाए यार कि भाई अगर मैं हिजाब नहीं करती, पर्दा नहीं करती, तो भाई मैं इस महीने जो है ना वो ये नियत करूं कि भाई मैंने इस महीने टारगेट करना है कि नहीं, मैंने हिजाब शुरू करना है, सही मैंने वुजू की हालत में रहना है, सही। मैंने अपनी जबान को जिक्र से तर रखना है। सही। इसी तरीके से मुस्कुराना भी हुजूर की सुन्नत है, तो मुस्कुराएं। कहते हैं मुस्कुराइए क्योंकि अब आप रमजान में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन रमजान में क्या होता है, मुस्कुराना कम हो जाता है, गुस्सा ज्यादा हो जाता है हमारे यहाँ, सही सड़कों पर झगड़े नहीं पड़ जाते, रोड रेज, मैं पहले पहुंच जाऊं तू पहले पहुंच जाए, ये हो जाता हमारे यहाँ। अल्लाह करे चल इस बार तो बात हो कोविड 19। अच्छा कोविड 19 के बड़े सारे फायदे भी हो रहे हैं ज्यादा। है ना, अभी लोगों को एहसास हो रहा है कितने फायदे हो रहे हैं यार। सड़कों पर ट्रैफिक कम है, झगड़े खत्म हो गए, एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, लोगों के एक्सीडेंट में हम बात नहीं हो रही है, जनाबे अली है और जनाबे अली पोल्यूशन कम हो गई है। तो रमजान में गुस्सा लोगों को कम आएगा, गुस्सा कम आएगा तो घर के माहौल अच्छे रहेंगे, घर के माहौल अच्छे रहेंगे तो इफ्तारी आपको अच्छी बनी हुई मिलेगी, सेहरी आपको अच्छी बनी हुई मिलेगी, बच्चे खुश रहेंगे, सही। बेगम खुश रहेंगे, अल्लाह खुश होंगे। कितने फायदे हैं कोविड 19 में रमजान, और घर पे आप हैं तो मैं कहता हूँ कि इन सारे मामूलात को और इन सारे मकासिद को, टारगेट्स को अचीव करना ज्यादा आसान भी है। ठीक सही। है ना, तो आप इस मरतबा ये अल्लाह की तरफ से, मैं समझता हूँ कि इसको हमें समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से एक हमें मौका मिला है कि बेटा इस मरतबा आप लोगों को घर में बंद कर दिया गया है, आप बाहर निकल के ज्यादा जो है ना वो कुछ कर नहीं सकते, मॉल्स बंद हैं, ठीक है ना, शॉपिंग उस तरह से हो नहीं सकती है, तो घर में बैठो, अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ो, ठीक है ना, अल्लाह के कलाम के साथ ताल्लुक को जोड़ो। और जिस तरीके से जो कुरान का तर्जुमा है, तफसीर है, दौरा कुरान है, इसका भी टारगेट बनाए। सही। इसी तरीके से इस महीने में लोग बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, सदकात देते हैं, ज़कात देते हैं, उसका उसको टारगेट, देखें हर चीज को मैं कहता हूँ गोल बनाए, हर चीज का टारगेट बनाए कि यार मैंने इस महीने में इतनी चैरिटी करनी है। आप नियत कर ली आज के, यार मैं इस महीने में 25,000 रुपये अलग रास्ते में खर्च करूंगा, आपको आपका अकाउंट नियत करने की वजह से अभी इसी वक्त खुल चुका है। अब आप क्या करें कि हर दिन घर में एक चैरिटी बॉक्स बना लें और हर दिन उस चैरिटी बॉक्स में जो है ना वो थोड़े थोड़े पैसे डालते रहें। बच्चों, अगर आप घर में बच्चे हैं तो उनको भी आदत डाल दें, बेगम को भी डाल दें, तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी कि यार मैं हर दिन 100 रुपये डाल रहा हूँ, हर दिन 500 रुपये डाल रहा हूँ, हर दिन 200 रुपये डाल रहा हूँ, बच्चों के अंदर भी वो आदत पैदा हो जाएगी। और फिर क्या करें कि उस पैसे को जो है ना रमजान खत्म होने से पहले पहले किसी जरूरतमंद के हवाले या जो भी तंजीमें हैं, जो काबिल एतबार लोग हैं, उनके हवाले कर दें ताकि वो वहां पहुंच जाए। सही। तो ये मैंने आपको चंद बातें बताई हैं, काम तो और बहुत सारे हैं, हमारी फैमिली है तो फैमिली की भी गोल सेटिंग होनी चाहिए। हमारा हम सब लोग काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई ना कोई अपने मामलात हैं, तो उसके हवाले से भी रमजान का मतलब ये नहीं होता कि रमजान आ गया तो इसका मतलब ये है कि अब मैं आजाद हो गया हूँ और मैं जो मेरे काम पे कमिटमेंट है उनसे मैं फारिग हो गया, ऐसा सही। नहीं है। अगर आपकी अपने काम के ऊपर कमिटमेंट है, अगर कोविड 19 की वजह से आपकी कंपनी ने आपको कहा हुआ है कि भाई वर्क फ्रॉम होम, आप घर से काम करें,
तो फिर आप घर से काम करने के मुकल्लफ हैं, फिर आप घर से काम करना आपके पास अमानत है, आप उस अमानत के अंदर डंडी नहीं मार सकते, आपको उस अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। वो वक्त जो आप दफ्तर जाके दिया करते थे, अब वो वक्त आप घर पे दें उस काम को, उसके जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करें, तो कयामत के दिन वो करने का भी तो, वो कयामत रमजान के महीने में वो करने का भी तो अजर है ना। इसी सही तरीके से अगर आपके वालदेन हैं, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके बहन भाई हैं, उनको भी हेल्प करें कि रमजान को ज्यादा प्रोडक्टिव अपना जो है ना बनाएं। फिर इसी तरीके से आखिरी अशरा रमजान का जो आता है सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस आखिरी अशरे की प्लानिंग करें, ईद की गोल सेटिंग करें। और यहां तक नहीं, बल्कि मैं तो अपनी वर्कशॉप के अंदर, हमने तो ये पूरा करवाया है काम, लोगों को बाकायदा पूरी वर्कशीट दे के ये काम करवाया, वो सारे हमने जो ना पॉइंटर्स दिए कि भाई इन इन चीजों में गोल सेटिंग होनी है, यहाँ तक कि पोस्ट रमजान लाइफ के, रमजान के बाद ये जो सारे मामूलात हैं, ये जो सारी आदात और अतवार मैं रमजान के महीने में इख्तियार कर रहा हूँ, असल मवाद तो जब आएगा जब ये रमजान के बाद भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे, गोया के मेरी मेरे बाकी 11 महीने भी अगर रमजान की तरह गुजर जाएं तो क्या ख्याल है जबरदस्त। ना। तो इसको तो टारगेट तो ये होना चाहिए, तो अगर हमारी इस तरह, इसका मतलब ये है कि जिंदगी रमजान की तरह गुजर जाए, अगर जिंदगी रमजान की तरह गुजर गई तो मौत ईद की तरह होगी। सही तो अब अगर आप समझते हैं कि भाई आपके हाजरीन और सामईन और नाजरीन समझते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट बात है, और मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं तो लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे पास जो जो लोगों के रिव्यूज आए हुए हैं, जो लोगों के मैसेजेस पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हैरान हूं मैं, कि और हमारे पास तकरीबन 30-35 तो उलमा थे, और उसमें बड़े सीनियर उलमा थे जो इस मरतबा अटेंड कर रहे थे ऑनलाइन वर्कशॉप, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जो आपने वर्कशॉप कराई है, ये तो हमने तो कभी, हम तो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, शेखुल हदीस हैं, पता नहीं इतना हमने इल्म हासिल किया हुआ, लेकिन इस तरीके से तो रमजान कभी हमने देखा नहीं। तो ये तो आपने बिल्कुल एक ऐसा जाविया दे दिया है कि अगर इस तरीके से अगर हम रमजान गुजारना शुरू कर दें तो डेफिनेटली 30 दिन जो है ना, वो तो आपके लिए लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक जरिया होंगे। और बल्कि मैंने तो इस पार्टिसिपेंट को ये भी किया है कि पिछले हफ्ते जिन्होंने वर्कशॉप की है, इंशाल्लाह आने वाले संडे को हम उनके साथ एक प्रोग्रेस रिव्यू सेशन कर रहा हूं मैं ऑनलाइन, उन्होंने गोल बना लिए नहीं बनाए क्या हुआ, दो रोजे भी इंशाल्लाह गुजर चुके होंगे, तो लोगों के साथ हम पूरा प्रोग्रेस करेंगे। फिर उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं हम पूरा महीना चाहते हैं, तो हम हर हफ्ते वो प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेंट ने पूरे महीने के लिए रजिस्टर किया हुआ है कि यार हर हफ्ते जो है वो हम अपनी गोल्स को रिव्यू करें, परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, ताकि हमारी बैटरी किसी भी पॉइंट पर जाके नीचे ना हो, बैटरी कंसिस्टेंसी के साथ चले इंशाल्लाह ताला। तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त है और सही आपके नाज़रीन से भी दरख्वास्त है कि my.timelenders.com, my.timelenders TimeLenders .com/RA2 2 digit वाला, तो उस इस लिंक पे जाके इस वर्कशॉप की जो डिटेल्स हैं वो देख भी सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं, और रजिस्टर करेंगे तो उनको एक्सेस रिकॉर्डिंग का 6 घंटे का जो है पूरा मिल जाएगा। मेरी मेरी ये दरख्वास्त है कि वो ये ना देखें कि यार ये 2,500 रुपये, भाई 2,500 रुपये कोई रकम नहीं होती, हम अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ बाहर खाना खाने चले जाते हैं कभी, तो सर 4,000 रुपये से कम का खाना नहीं होता फैमिली के साथ। तो ये सही वो चीज जगह है जहां पर हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि हम कदर भी करें और हमारा रमजान भी बहुत शानदार तरीके से गुजरे। इस लिंक पे जाएं my.timelenders.com/forward/, यानी कि RA2। मैं जो है ना वो इसके बाद आपके कमेंट्स में शेयर भी कर लूंगा, लिंक भी शेयर कर लूंगा, कोई अगर जाके तफसील देख पढ़ना चाहे पढ़ ले, वैसे तो सारी तफसील मैंने बता दी आपके इंटरव्यू में। my.timelenders, नहीं, my.timelenders.com, my.timelenders.com/RA2। यमीन भाई, बस मैं एक सवाल करना चाहूंगा, हाँ वो बोले ये बोले। कि जैसे अभी अभी आपने स्पिरिचुअल वाली साइट तो पूरी ओपन कर दी ना वर्कशॉप की, कि क्या क्या हम टारगेट्स करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो वर्कशॉप के मेन पिलर्स हैं आप उनके सिर्फ नाम बता दें, ताकि जो अटेंड करना चाह रहे हैं उनको पता हो कि इसमें हम ये मॉड्यूल्स हैं। जैसे एक तो स्पिरिचुअल वाला हो गया कि स्पिरिचुअल, मैंने रूहानी ये गोल सेट करना है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट के गोल्स, फैमिली कंट्रीब्यूशन या एज एन उम्मती गोल्स,
वर्क गोल्स, हमारी वो खवातीन जो कि माएँ भी हैं, जिनके पास जिनके काम घर के बच्चे भी होते हैं, वो बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाती हैं, तो वो उनके लिए उसमें एक पूरा एक शीट है कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करके वो कहाँ से टाइम उनके लिए निकल सकता है, क्या चीज़ें की जा सकती हैं, उसकी हमने बात की हुई है। छः, सातवीं चीज़ हो गई आपके आखिरी अशरे की प्लानिंग, लास्ट 10 डेज की प्लानिंग की हमने सब बात की, वो कैसे होनी चाहिए। अगर आप एतिकाफ कर रहे हैं तो एतिकाफ की प्लानिंग, एतिकाफ का जो पूरा मंजरनामा है, एतिकाफ का जो पूरा बैकग्राउंड वो है कैसे होना चाहिए। उसके बाद ईद उल फितर की गोल सेटिंग कैसे होनी चाहिए, और उसमें 11वीं चीज है जनाब अली पोस्ट रमजान लाइफ, कि रमजान के बाद की जो हमारी जिंदगी है उसको मैं किस तरीके से लेके चलना मुझे चाहिए। ये 11 मेन चीजें हैं बुनियादी तौर पे जिसके ऊपर इस पूरी, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हमारी एक बहन है आमना बाजी हैं जो के सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 1.5 घंटे का उनका सेशन है डाइट के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर, कि रमजान में आपकी सहरी और इफ्तारी किस तरह की हो कि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकें, एनर्जी को बैलेंस कर सकें, ताकि आप रात को कयाम कर सकें और दिन में भी आप आराम से अपने काम कर सकें, और आपको जो है ना वो फटीग या जो है ना वो थकन और जो है ना वो सुस्ती का एहसास ना हो। तो उन्होंने पूरी वो डाइट का जो हमारा होना चाहिए उसकी स्लाइड्स भी हैं, उसके अलग उसमें जो ना शीट्स हैं, वर्कशीट्स हैं वो वहाँ पर हैं, और 1.5 घंटे की उनकी उसके ऊपर टॉक है हमारी सेशन के अंदर, और वो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है माशाल्लाह से, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस मरतबा जो है ना वो बहुत सारी जबरदस्त चीजें शेयर की हैं। तो ये 12-13 चीजें हैं जो इस वर्कशॉप का हिस्सा है। सही सही। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया यमीन भाई। मैं मेरे जहन में बस यही था कि कोई एक मॉड्यूल जो है ना वो आप लोगों से डिस्कस कर लेते, वो माशाल्लाह आपने स्पिरिचुअल वाला कर लिया तकरीबन, और मुझे पता है उसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्कशॉप में है। मेरा खुद भी इरादा है कि मैं इंशाल्लाह फ़ौरन से इस वर्कशॉप को अटेंड करूँ और अपनी अभी आप फैमिली के साथ फौरन ही, सबके साथ, ताकि इस सेशन के बाद फौरन यासिर भाई से रब्ता करें, उनसे कहें कि भाई मुझे एनरोल करो, मैं फीस ठीक जमा है करा रहा हूँ, यार ये मुझे एक्सेस दो इसका। मैं सही बता रहा हूँ, अभी आप सब ठीक है। काम छोड़ के बैठ जाएं, क्योंकि अब 2 दिन रह और गए, आप बैठ जाएं अपनी बेगम के साथ, फैमिली के साथ। और यमीन भाई, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और मुझे ये था कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद नफली इबादत तो अपनी जगह, लेकिन ये आपका सेशन मैंने पा खुदा इसके करने के पीछे एक वजह ये थी कि अल्लाह इसका इसाले सवाब जो है ना वो उन तक भी हजरत पहुंचाए, और लोग आपको अपने रमजान को जितना बेहतर। बना लें सारा, अगर आपके अकाउंट में जाएगा, आपके आपसे हमने लीड ली हुई हमें भी चला जाएगा। सही मतलब आप देखें मुसलमान होने का कितना फायदा है ना, आप किसी एक आदमी को नेकी की तरफ रागिब करते हैं, उसकी प्लानिंग करवा दे, यार क्या चेंज चलेगी, पूरी चेंज चलेगी। पूरी। तो बस मैं मतलब कर नहीं रहा था सेशन, लेकिन मैंने बोला बस आपका वाला तो जरूर करना है, ताकि लोगों का रमजान बेहतर हो और उसका अल्लाह ताला उन्हें भी अजर अता फरमाए। तो मैं तमाम लोगों से भी ये दरख्वास्त आमीन करूंगा कि मैं कमेंट में शेयर भी कर चुका हूँ ये। यमीन भाई, एड्रेस यही है ना, my.timelenders.com/ra2। हाँ जी यही है। ठीक है, तो मैं सब लोगों से, मैं इंडिविजुअल भी लोगों से बात करता हूँ कि लोग ज़्यादा इसको अटेंड, मेरी अपनी तो इसमें ख्वाहिश यही है कि हमारे रेफरेंस से जितने भी लोग आ जाएं, और अल्लाह करे उनका रमज़ान अच्छा गुजरे और इसके अजर अल्लाह ताला और फिर हमें आप भी और सब देखेंगे, पूरी जब उम्मत। जो भी बंदा वर्कशॉप करेगा वो कहेगा कि यार ये तो उमर मलिक साहब आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर। मैं बता रहा हूँ आपको, जितने लोग आए 250 लोगों ने ये बात कही है, 250 लोगों ने, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक है एहसान है यमीन सर, भाई, बहुत अल्लाह बहुत की तौफीक है। शुक्रिया। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आप ताला आपसे कोई राजी हो क्लोजिंग जाए। पॉइंट कहना चाहें तो? अबे क्लोजिंग पॉइंट मैं क्या कहूँ, इतने सारे पॉइंट तो हो गए। क्लोजिंग पॉइंट ये है कि रमजान का महीना जो है वो हमारे सरों पर साया फिगन हुआ चाहता है। मैं तो ये कहूंगा कि उस वर्कशॉप के जितने पॉइंट्स हैं उनको आज ही से, और आज से ही अपनी जिंदगी के अंदर उनको लाना शुरू कर दें, चाहे वो तिलावत हो, चाहे वो असकार हो, चाहे वो जो है ना वो नवाफिल हो, चाहे वो सुन्नतें हो, उनको आज ही से नियत कर लें, आज शुरू कर दें आज से।
अगले 2-3 दिन में, ताकि आपका थोड़ा सा जो है ना मेंटल रूटीन बन जाए। तो उसमें ताखिर ना करें भाई, नेक कामों में ताखिर तो करनी ही चाहिए, शुरू कर दें करना। और मैं अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला जो है वो उसको कबूल फरमाए। आपने ये टाइम मुझसे लिया और अपना टाइम दिया, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जो है वो आपसे राजी हो जाए, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला जो है वो आपको अपने वालदेन के लिए बेहतरीन सत्ता जारिया बनाए, उम्मत के लिए सरमाया बनाए, और अल्लाह ताला जो है ना आपको दोनों जहानों की सादतों से खूब माला माल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। और जन्नत में जो है ना आपका घर जो आमीन है वो आमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल सामने हो या बराबर में हो, और उस एक तरफ हमारा घर हो, एक तरफ आपका घर हो, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी घर से निकल के अपने झांकें तो उनको हमारा घर नजर आए और हम उनको नजर आए और वो हमें देख के खुश हों। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आपने वक्त दिया। जी सर, बाकी तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि ज़रूर इस वर्कशॉप को इंशाल्लाह अटेंड करें, और इंशाल्लाह फिर किसी और सेशन में मुलाकात होती है। और यमीन भाई से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि फिर दोबारा भी इंशाल्लाह आपको अरे सर ज़हमत देंगे, ताकि आप आप इतने इस प्यारे ऑडियंस से आदमी और भी हैं, कोई बात आप करें। इतने प्यारे बिल्कुल आदमी हैं, आप जब भी आप कहेंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे यार। हमारा क्या, हम तो फारिग लोग हैं ना सर, आप जब बुलाएंगे आ जाएंगे, आप मसरूफ लोग हैं। जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।